सम्राट चौधरी जी को शायद याद नहीं है कि नाबालिग से बालिग अगर राजनीति में किसी ने किया है तो उसका नाम है लालू प्रसाद। लालू प्रसाद जी के पाठशाला से निकल करके उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है वो स्पष्ट रूप से इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाई थी कि जैसे ही सम्राट चौधरी सामने आते हैं उसके आधा घंटा बाद दूसरे बयानवीर उनके पीछे आकर के दूसरा बयान देते हैं। अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो वो लालू प्रसाद जी के सामने टिक भी नहीं पाएंगे और वो लालू प्रसाद पर ऐसी टिप्पणी करते हैं, इससे ही स्पष्ट होता है कि उनकी सोच कहां पर। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। एजाज जी, सम्राट चौधरी का बयान आया है कि लालू जी का जेल भेजने के पीछे नीतीश और जदयू का हाथ है, आज नीतीश जी उन्हें मुखिया बनने लायक नहीं छोड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी बयानवीर हैं और सम्राट चौधरी जी अपने कर्तव्यों के प्रति पार्टी के अंदर ईमानदार नहीं हैं। वो जो प्रवक्ता का काम है वो स्वयं काम करते हैं और जो अध्यक्ष का काम है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके खिलाफ एक बगावती सुर है। और आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि जैसे ही सम्राट चौधरी सामने आते हैं उसके आधा घंटा बाद दूसरे बयानवीर उनके पीछे आकर के दूसरा बयान देते हैं। और सम्राट चौधरी जी को शायद याद नहीं है कि नाबालिग से बालिग अगर राजनीति में किसी ने किया है तो उसका नाम है लालू प्रसाद। लालू प्रसाद जी के पाठशाला से निकल करके उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है वो स्पष्ट रूप से इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाई थी, लेकिन इस तरह की भाषा जो अपने से बड़ों के प्रति जो संस्कार को भूल करके जो अपसंस्कृति के माहौल को बिहार में खड़ा कर रहे हैं ये राजनीति और राजनीति के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ये उनको 100 बार देख लेना चाहिए कि क्या वो अपने अभिभावक के साथ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनका संस्कार यही सिखाता है। ये स्पष्ट रूप से उनकी राजनीति कहाँ पहुँच गई है, उनकी सोच कहाँ पहुँच गई है, क्योंकि जो विचारधारा का अंतर्द्वंद है वो उनके भाषा से भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसी कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति में वो बयान दे रहे हैं। उनको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बड़े नेता हैं वो उनका विरोध क्यों कर रहे हैं, उनकी राजनीति को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो जिस तरह की खुल्लम छूट चाहते थे वो छूट उनको नहीं मिल रहा, इसके कारण वो बेचैनी में अपना TRP बढ़ाने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की राजनीति की शुरुआत की है। और वो लालू प्रसाद जी के संबंध में बोल रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उससे बड़ी पार्टी लालू प्रसाद जी की राष्ट्रीय जनता दल है और वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो इनके नेता हैं चाहे वो अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो वो लालू प्रसाद जी के सामने टिक भी नहीं पाएंगे और वो लालू प्रसाद पर ऐसी टिप्पणी करते हैं, इससे ही स्पष्ट होता है कि उनकी सोच कहां पहुंच गई। जीतन राम मांझी का बयान आया, उन्होंने कहा कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में नाटक हो रहा है। जीतन राम मांझी जी स्वयं अपनी भाषा और अपने आप को स्पष्ट करें कि वो किस तरह की भाषा बोलते रहे। जब वो सत्ता में साथ में थे तब भी उनकी जो भाषा होती थी वो कहीं से मर्यादित नहीं होती थी। सबको पता है कि जिस दिन से बिहार में शराबबंदी हुई है उसके बाद से जो अपसंस्कृति का माहौल था, जो गाली गलौज की भाषा सड़कों पर इस्तेमाल हुआ करती थी, जो महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं होती थी, जो बच्चों को पढ़ाई में बाधित था, वो सारे माहौल बदल गए हैं। बिहार बदल चुका है। बिहार में अब महिलाओं से जाकर के पूछे न, स्पष्ट रूप से महिलाएं बता देंगी जीतन राम मांझी जी को कि आप क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। महिलाएं काफ़ी खुश हैं, बच्चे काफ़ी खुश हैं, बिहार का भविष्य बेहतर हो रहा है और बिहार में कहीं भी आप सड़कों पर कोलाहल या गाली गलौज की भाषा नहीं देखते होंगे। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। इस परिवर्तन को अगर वो एहसास नहीं कर रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो समाज और समाज के बीच अब रहना छोड़ दिया। भाजपा आप लोग पे आरोप लगा रही है कि पहले कबाड़ बेचवाते थे, शराब के बोतल चुनवाते थे और अब जो है बोड़ा बेचवाने में लगा दिए हैं शिक्षकों को, पढ़ाई तो करवाते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को पढ़ाई तो दिख रहा नहीं, चूँकि उन्होंने जिस तरह का माहौल खड़ा कर दिया था बिहार में,
17 वर्षों के सत्ता में रहते हुए उस माहौल को हमने बदलने का काम किया है और पूरा बदलाव दिख रहा है। जिस दिन से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली और उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है और माहौल जो बेहतर वातावरण के साथ स्कूलों में देखने को मिल रहा है, स्वच्छता देखने को मिल रहा है, वो इन लोगों को पसंद नहीं है। चूँकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ें, मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ें, चूँकि इनके बच्चे तो जा कर के इंग्लिश स्कूल में, ऑक्सफोर्ड में और अमेरिका में और अन्य जगह पढ़ लेते हैं, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं वो उसी स्कूल से पढ़ते हैं। इसलिए स्कूल के माहौल का जब वातावरण बेहतर किया जा रहा है, वातावरण बेहतर बनाया जा रहा है, तो उसकी सराहना करनी चाहिए, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि जब से शिक्षा विभाग में के पाठक और चंद्रशेखर जी मंत्री पद को संभाले, उसके बाद लगातार शिक्षा विभाग में सुधार हो रहे हैं और ये सुधार के वजह से ही बीजेपी वाले को काफ़ी तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चे को खुद विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन गरीब का बच्चा जब विद्यालय में पढ़ता है तो उनका मजाक बनाया जा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मनीष पटना।